दोस्तों आपको साजन का नमस्कार। आपका हमारे चैनल हमारी दुनिया में स्वागत है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं बन जाए आपकी भी बात तो जुड़े रहिए हमारे चैनल हमारी दुनिया में हमारे साथ। दोस्तों हमारी ज़िंदगी कई रिश्तों से बंधी होती है जिनमें माँ बाप भाई बहन काका मामा बुआ बेटा नानी नाना पति पत्नी और भी कई तरह के रिश्तों से हम बंधे होते हैं और इन्हीं सब रिश्तों को निभाते हुए हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है और इन रिश्तों को निभाते हुए हमें या यूँ कहें हम सभी को इनके मान सम्मान अच्छे बुरे फ़ायदे और नुकसान के बारे में सोचना पड़ता है। इनके बात व्यवहार और भावनाओं को समझना पड़ता है और इन सभी रिश्तों में जो सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता होता है वो है माँ बाप और पति पत्नी का रिश्ता। और इन रिश्तों को निभाने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है वो है बेटा, क्योंकि बेटे को ही माँ बाप और पत्नी इन सब का ख्याल एक साथ रखना पड़ता है। कहने का मतलब बेटा ही वो केंद्र बिंदु होता है जिस पर इन सब की जिम्मेदारी होती है। और दोस्तों आज का टॉपिक है कि हम इस रिलेशन को मेंटेन कैसे करें, इनमें तालमेल कैसे बिठाएं कि माँ बाप भी खुश रहें और बीवी भी खुश रहे और माँ बाप और बीवी का रिलेशन भी हमेशा अच्छा बना रहे, क्योंकि एक सुखी और खुशहाल परिवार हमें तभी मिल सकता है जब माँ बाप और बीवी इन तीनों लोगों का आपस में रिलेशन अच्छा रहे। ये लोग आपस में बिना मन मुटाव के रहें, आपस में घुल मिल कर रहें और इस रिलेशन को अगर कोई मेंटेन कर सकता है तो वो है बेटा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि किस तरह से एक बेटे को इस रिश्ते को मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि जितनी जिम्मेदारी एक पति की अपने पत्नी के प्रति होती है उतनी ही जिम्मेदारी एक बेटे की अपने माँ बाप के प्रति भी होती है। अगर इन दोनों में से किसी एक के प्रति अगर हम या आप लूज हो जाते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा शक्ति दिखाने लगते हैं तो यहीं से घर परिवार बिखरना शुरू हो जाता है, रिश्तों में दरार पड़ने लगती है, एक अच्छा खासा हंसता खेलता खुशहाल परिवार अशांत और दुखी होने लगता है और जिसकी वजह से हम सबकी ज़िंदगी नीरस और बेकार होने लगती है। अब हमें इसे मेंटेन कैसे करना है इस टॉपिक पर बात करेंगे। दोस्तों आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते, एक दूसरे का सुख दुख नहीं बांट पाते, एक दूसरे को या एक दूसरे की तकलीफ़ को समझ नहीं पाते और आजकल की तेज़ी से बढ़ती हुई महंगाई और खर्चे के तो जैसे दिन ब दिन आसमान छू रहे हैं। पहले जहां एक परिवार में 10 लोगों का खर्चा सिर्फ एक ही आदमी उठा लेता था और सब लोग खुशहाल भी रहते थे, मगर आज कंडीशन ये है कि अगर एक परिवार में 10 लोग हैं और 10 के 10 लोग काम कर रहे हैं तो फिर भी घर परिवार चलाने के लिए पैसे कम पड़ जाते हैं। इससे घर परिवार में भी चिड़चिड़ापन आने लगा है, लोग एक दूसरे का खर्चा उठाने से कतराने लगे हैं, बात बात पर बहस और झगड़ा करने लगते हैं और आजकल तो हालात ये हो चुके हैं कि बच्चे माँ बाप का खर्चा तक उठाने से कतराने लगे हैं। आए दिन सास बहू के झगड़े, भाई भाई में मन मुटाव, जेठानी देवरानी के रिश्तों में दरार और बंटवारे
शादी के 1-2 साल बाद ही होने लगे हैं। दोस्तों, ऐसे में हम अपने घर परिवार और रिश्तों को बचाने में असमर्थ होते जा रहे हैं। दोस्तों, हमारे रिश्तों को बिखरने की वजह कहीं ना कहीं महंगाई और खर्चा ही है। दोस्तों, ज़्यादातर घरों में झगड़ा और बंटवारा सिर्फ अपनी कमाई बचाने और अपने पति पत्नी और बच्चों के साथ कम खर्चे में खुश रहने के चक्कर में होता है। ऐसे घर के बड़े बुज़ुर्गों को ज़्यादा तकलीफ आने लगती है, जैसे कि माँ बाप और सास ससुर। हम लोग अपना तो रास्ता बना लेते हैं, मगर हमारे इस बंटवारे की वजह से माँ बाप और सास ससुर रास्ते पे आ जाते हैं और हम उनके बारे में इतना भी नहीं सोचते कि जिन माँ बाप की वजह से हमारा वजूद है, जिन माँ बाप ने हमें पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर शादी ब्याह करके हमारी ज़िंदगी सवारी है, अब उनका क्या होगा? कौन उन्हें सहारा देगा? इस उम्र में वो क्या करेंगे और अपनी ज़िंदगी किसके सहारे जिएंगे? उनका सुख दुख कौन देखेगा? हम सिर्फ बीवी और बच्चों के बारे में ही सोचते हैं, माँ बाप के बारे में सोचते ही नहीं। अगर हम घर में 2-4 भाई हैं तो हम यही सोचते हैं कि उनका खर्चा दूसरा भाई देखेगा और हम अपने फर्ज और जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं, जबकि हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हम आज के दौर के लोग हैं, हम अगर ज़्यादा नहीं तो कुछ तो पढ़े लिखे होते ही हैं और हमें इतनी तो समझ होती ही है कि हमारा अच्छा बुरा फ़ायदा नुकसान हम खुद ही समझ सकते हैं। फिर हम ये क्यों नहीं समझ पाते कि हमें अपनों के साथ कैसे रहना है, उनके साथ कैसा व्यवहार करना है और उनके साथ किस तरह मिल के रहना है, परिवार के हर एक सदस्य के साथ किस तरह रिलेशन मेंटेन करना है, चाहे वो माँ बाप हों, सास ससुर हों, देवरानी जेठानी का रिश्ता हो, भाई भाई की बात हो, सास बहू की बात हो या पति पत्नी की ही बात क्यों न हो, हम रिलेशन मेंटेन करने में दिन ब दिन असमर्थ होते जा रहे हैं। दोस्तों, हमें अपने रिलेशन में दरार पैदा करने वाली जगह को ख़त्म करना चाहिए, न कि रिलेशन को। दोस्तों, हम इंसान हैं और हम हर इंसान में, चाहे वो आदमी हो या औरत, कुछ न कुछ अच्छाइयाँ और कुछ न कुछ बुराइयाँ होती ही हैं। दुनिया का कोई भी इंसान न तो पूरी तरह से अच्छा होता है और न ही पूरी तरह से बुरा, इसलिए हमें अपनों के गुणों या अच्छाइयों पर ध्यान देना चाहिए और उनसे अच्छा बर्ताव करना चाहिए और उनका हर काम में सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो आपसे छोटे हों या बड़े, चाहे वो रिलेशन में आपके कुछ भी लगते हों, भाई बहन, पति पत्नी, माँ बाप, बेटा बेटी, ननद सास बहू, देवरानी या जेठानी। हमें एक दूसरे की पसंद नापसंद और ज़रूरत पर ध्यान देना चाहिए, उनके साथ इस तरह से रहें कि उन्हें खुशी मिले और वो आपकी इज्जत करें। अगर कभी भी किसी से भी अगर कोई गलती या नुकसान हो जाए तो ऐसे में उस पर बिगड़ने की जगह उसके साथ नॉर्मल रहें और उसे समझाने और मोटिवेट करने की कोशिश करें, ताकि उसे शर्मिंदगी या किसी तरह के परायेपन का एहसास न हो, जिससे कि उसकी आपके प्रति सोचने समझने और बर्ताव करने की भावना बदल जाए। अक्सर घरों में सास बहू और देवरानी जेठानी के बीच ज़्यादा मनमुटाव और झगड़े हुआ करते हैं। हमें इस रिलेशन को सही और सुलझा हुआ रखने के लिए एक दूसरे को समझना
उनकी पसंद नापसंद पर ध्यान देना चाहिए। हमें एक दूसरे में कमियां निकालने की बजाय एक दूसरे की अच्छाइयों और प्लस पॉइंट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। घर परिवार को खुशहाल और सुखी रखने के लिए सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि एक दूसरे के सपोर्ट और प्रेम की भी ज़रूरत होती है। अक्सर घरों में रिश्तों में दरार तब पड़ने लगती है जब हम एक दूसरे पर उंगली उठाने लगते हैं, एक दूसरे की बातों को समझने बिना उसे बुरा समझने लगते हैं। अगर किसी ने किसी को गुस्से में या मजाक में कुछ कह दिया तो हम भी उसे जवाब में बुरा ही बोलते हैं। इससे हमारे बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें बर्दाश्त करने की सहन शक्ति होनी चाहिए और समझदारी भी होनी चाहिए कि हम अगर सामने वाले ने मुझे ऐसा कहा तो क्यों कहा, आखिर मुझसे कहाँ और क्या गलती हुई। इसे हमें शांत मन से सोचना और समझना चाहिए। कभी कभी हम अपने अहम में आकर अपने रिश्तों को अपने ही हाथों खराब कर लेते हैं और बाद में हमें पछताना पड़ता है। जिस तरह छोटी छोटी ईंटों को जोड़कर घर को बड़ा किया जाता है और छोटी छोटी ईंटों को तोड़कर घर को खंडहर कर दिया जाता है, ठीक उसी तरह हमारा परिवार और रिश्ता भी होता है, जिसमें हम छोटी छोटी बातों और ज़रूरतों को ध्यान में रखकर अपने घर को अच्छा और खुशहाल परिवार के रूप में बदल सकते हैं और छोटी छोटी बातों पर लड़ झगड़ कर एक अच्छे और खुशहाल घर को खंडहर बना देते हैं। दोस्तों, हमें ये अच्छी तरह से मालूम है कि बल्कि घर के हर एक सदस्य को ये अच्छी तरह से मालूम होता है कि एक साथ प्रेम व्यवहार बनाकर रहने पर ही परिवार का असली आनंद लिया जा सकता है और अच्छी इनकम भी बनाई जा सकती है, मगर हमसे यही नहीं हो पाता। हम लोग एक दूसरे पर उंगली उठाने लगते हैं और घर परिवार से बिखर जाते हैं या हमारी गलतियों की वजह से हमारा घर परिवार बिखर जाता है। दोस्तों, हमें हमारे रिश्ते और घर परिवार को अच्छा और खुशहाल रखने के लिए एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे की छोटी मोटी ज़रूरतों को, पसंद नापसंद को समझना बहुत ज़रूरी है। हमें इसे समझना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें, उन्हें खुश रखने की कोशिश करें। चाहे वो हमारे घर का कोई भी सदस्य हो, हमसे छोटा हो या बड़ा, कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि हम सब मिलकर एक दूसरे को समझकर छोटी छोटी ज़रूरतों और बातों पर ध्यान रखकर अपने घर परिवार को अच्छा और खुशहाल रख सकते हैं। और ये जिम्मेदारी खासकर हमारे घर की औरतें बखूबी निभा सकती हैं और अपने घर को खुशहाल बना सकती हैं, क्योंकि कहा गया है कि औरतें घर की लक्ष्मी होती हैं और औरतों को घर चलाने का अच्छा अनुभव होता है। औरतें गृह लक्ष्मी और गृह शोभा भी होती हैं, इसलिए औरतों को घर परिवार को एक बनाए रखने में बड़ा योगदान होता है। औरतें अपने घर परिवार और रिश्तों को मेंटेन करना अच्छी तरह जानती हैं, चाहे वो सास हो, बहू हो, माँ हो या बीवी हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैं अपनी बात को आपको अच्छी तरह से समझा पाया हूँ। दोस्तों, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं और आपने हमारे चैनल हमारी दुनिया को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका लाख लाख धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपका हमारे चैनल पर ये पहला विजिट है तो प्लीज़ हमारे चैनल हमारी दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिए।
और इसी तरह की और भी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, जिससे आपको मोटिवेशन के साथ साथ इसी तरह की और भी बहुत सारी जानकारी मिलती रहे। तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि वीडियो कैसी लगी ये कमेंट हमें मिल जाए, क्योंकि आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमें और भी हौसला देता है और भी मोटिवेट करता है इसी तरह की और भी वीडियोस बनाने के लिए। दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर किसी भाई को फिल्म संबंधी जानकारी चाहिए, जैसे एक्टिंग, सिंगिंग और राइटिंग से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपके सवाल का जवाब वीडियो के माध्यम से जल्द देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर कोई ग्रुप जो कॉमेडी वीडियोस या शॉर्ट फिल्म बनाने का इच्छुक हो और उन्हें राइटर की ज़रूरत हो जो उनके लिए कंटेंट, स्टोरी या स्क्रिप्ट लिख सके, तो ऐसे भाई भी हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इन सब का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपको साजन का प्यार भरा नमस्कार। Thanks for watching my video and subscribe my channel.